गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे काजल पिथल के सीरियल्स के बारे में और उनकी स्टोरी के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काजल पिथल शोज सोनी टीवी के शो सी आई डी में मेघा गुप्ता का किरदार निभाया। सोनी टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में इशिका कपूर का किरदार निभाया। लाइफ ओके के शो सावधान इंडिया में स्मृति रॉय का किरदार निभाया। स्टार प्लस के शो एक हजारों में मेरी बहना है में रिया मलिक का किरदार निभाया। सोनी टीवी के शो अदालत में अंजलि राणा का किरदार निभाया। जी टीवी के शो एक मुट्ठी आसमान में माया भंडारी का किरदार निभाया। स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया में मानसी रहेजा का किरदार निभाया। कलर्स के शो सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नीता सचदेव मल्होत्रा का किरदार निभाया। कलर्स के शो उड़ान में कंचन बेदी का किरदार निभाया। कलर्स के शो नागिन 5 में अधीरा माथुर का किरदार निभाया। स्टार भारत के शो दुर्गा माता की छाया में केतकी अनेजा का किरदार निभाया। कलर्स के शो सिर्फ तुम में आशा सक्सेना ओब्रॉय का किरदार निभाया। काजल पिथल स्टोरी। काजल पिथल ने कुछ टाइम अभिजीत पिथल को डेट किया, फिर सन 2003 में काजल और अभिजीत पिथल की शादी हुई। काजल पिथल की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। काजल ने शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत की। काजल पिथल कहती हैं कि बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद एक्टिंग करना बंद कर दिया है। कुछ एक्ट्रेस को तो शादी के बाद उनके हस्बैंड ने काम करने से मना कर दिया, बट मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अभिजीत जैसे हस्बैंड मिले। अभिजीत ने कभी भी मुझे एक्टिंग करने से मना नहीं किया। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही शादी के बाद किया था। अभिजीत ने मुझे हमेशा मेरे काम में सपोर्ट किया है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की तरह ही सपोर्ट करने वाला हस्बैंड सबको मिले। गाइस आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।